नमस्ते, मैं हूँ हर्षवर्धन और मैं हूँ सुबह। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आपका करंट इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। या आपको कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं बता सकती, हम एक्चुअली आपका एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड बनाएंगे। और इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम जानेंगे माँ प्रकृति के तीन ऐसे नियम जिनको फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अब आपके इम्यूनिटी स्कोर कार्ड पे भरने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी। जो शरीर अंदर से साफ होगा उसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि दो डस्टबिन्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी वेस्ट भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना है वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है, वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कीटाणु आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके शरीर में अंदर टॉक्सिन्स यानी गंदगी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, बिकॉज अ हाईली क्लीन बॉडी इक्वल्स अ हाईली इम्यून बॉडी। अब आप शायद सोचे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी अंदर से साफ है या नहीं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं? हमारे वेदों ने अच्छी इम्यूनिटी के कुछ बहुत ही क्लियर साइंस बताए हैं। देह सर्वत्र च उष्णस्य समता लाघवम सुखम शुत तीक्ष्ण गढ़ निद्र च मनसो अपि प्रसन्नता शरीर कर्म सामर्थ्यम अनलस्य च कर्मसु स्वतः स्वेदो गम कले स्वास्थ्य लक्षणति ही। इस श्लोक में बहुत डिटेल में इम्यूनिटी के 8 लक्षण बताए गए हैं। हम एक एक करके हर लक्षण को डिस्कस करेंगे, और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आप एक चेकलिस्ट बनाएं। लास्ट में आप जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। अच्छे इम्यूनिटी का पहला लक्षण, स्वतः स्वेदो गम कले, यानी सही टाइम पे सही मात्रा में हमारा पेट साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका अच्छी तरह अपने आप पेट साफ होना चाहिए, बिना किसी गोली या चूरन के। सबसे आइडियल है रोज सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर रोज पेट साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है, मतलब जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अब अंदर ही अंदर जम रही है। और जैसे हमने समझा, अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपका हर रोज पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण, लाघवम यानी नो एक्सेस वेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न न होना। अगर रोज़ पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वेट बढ़ने लगता है। अब आपका वेट ज़्यादा है या नहीं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं, जिसका होता है उसको पता होता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो मतलब बॉडी में गंदगी जमी है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा लक्षण, क्लियर स्किन यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। योर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। हमें एक्ने स्पॉट्स रैशेस कब होते हैं? जब हमारा अंदर खून साफ नहीं होता, जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ है तो आप इस लक्षण के आगे टिक लगा सकते हैं। तो आप बना रहे हैं ना अपना स्कोर कार्ड? बहुत ही जल्द आपको अपनी इम्यूनिटी का फाइनल स्कोर मिलेगा। सिर्फ 5 और लक्षण बाकी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे 3 स्टेप्स शेयर करेंगे जिससे बहुत जल्द ही एक एक करके आपके सारे लक्षण मिलने लगेंगे। आइए इम्यूनिटी का चौथे लक्षण पे बढ़ते हैं, अनलस्य चकर्मसु यानी एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है
तो मतलब ये लक्षण अभी नहीं मीट हो रहा। हमें आलस तब आता है जब हमारे शरीर अंदर से साफ नहीं है। तो अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो ये लक्षण टिक कर सकते हो। पांचवा लक्षण, शुद्ध तीक्ष्ण, एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हमें से कुछ लोग को तेज भूख का अनुभव ही नहीं होता, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका क्या मतलब? मतलब हमारा पहला खाया भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में एक या दो बार तेज भूख लगनी चाहिए। तो अगर आपको पेट में तेज भूख का अनुभव होता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण, गढ़ निद्रा, यानी एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, यानी रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पे लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है तो मतलब ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आँख खुलती है और लेटते ही 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। सातवां लक्षण, नो पेन इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पुकारना नहीं चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण, मन सो अपि प्रसन्नता, यानी एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप ही गौर कीजिए, आप पूरे दिन में ज़्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी? अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है तो मतलब अभी ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अच्छी इम्यूनिटी के 8 लक्षण। हम चाहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी स्कोर को टोटल कर लीजिए। चाहे आपका स्कोर जो भी हो, 1, 3, 5 या 7, अब हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस स्कोर को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अपने पहले स्टेप पे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। हम यूजुअली सोचते हैं, अरे मुझे कोई आसान सा टॉनिक दे दो, काढ़ा दे दो, पिल दे दो, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, लेकिन मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, अपने पराठे तो नहीं छोड़ूंगा। हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारी इम्यूनिटी हमसे छीन रहे हैं, तब तक हम कोई टॉनिक लेके अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी स्वॉलोड इन अ पिल और अ ग्लास, इट्स द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ यू लिव। तो चलिए अपने पहले स्टेप पे आते हैं। एक चीज़ जो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है उपवास यानी फास्टिंग। लंघनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हर शास्त्र हमें ये बताता है, आज हमें साइंस भी सेम चीज़ बता रही है। इतनी सारी रिसर्चर्स बता रही है कैसे इम्यून सिस्टम रीजेनरेट करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग। ये सारी साइंटिफिक रिसर्चर्स हमने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है। अब आप फास्टिंग का नाम सुन के डर मत जाना, फास्टिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले खा लीजिए। 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक कुछ ना खाएं। तो हर रोज 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होगी। अब आइए समझते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। देखिए, आपके अंदर एक शक्ति बैठी है, एक सोल्जर बैठा है जो कीटाणु से लड़ता है। इसके 2 मेन काम हैं, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, और हीलिंग यानी बॉडी को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम। हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। पहले वाला खाना नीचे उतरा भी नहीं, हम ऊपर से और डाल देते हैं। खाने के बीच में भी पेट को खाली नहीं छोड़ते, स्नैकिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम।
जब हम हमेशा खाते रहते हैं तो दिन में 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन हमारा सोल्जर हमेशा डाइजेस्ट ही करता रहता है और उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल्जर हीलिंग करे तो आपको समय समय पे डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। तो जब आप शाम 6 बजे के बाद खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? यदि आपका डिनर हल्का है तो आपका सोल्जर उसको 5-6 घंटे में डाइजेस्ट कर देगा। जैसे ही डाइजेशन ख़त्म हो जाएगा सोल्जर क्या शुरू कर देगा? हीलिंग। तो बाकी 10 घंटे आपके हीलिंग टाइम होगा। इस दौरान आपका सोल्जर बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, शरीर को अंदर से साफ करेगा, जो भी पुराने टॉक्सिन अंदर बैठे हैं उसको निकालेगा, और यदि कोई कीटाणु आए हैं तो उनको भी मार के आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब आप रोज़ 6 बजे से पहले खाना शुरू कर देंगे तो आपके सोल्जर को ऑटोमेटिकली हर रोज़ 10 घंटे आपकी सफाई करने के लिए मिल जाएंगे। और याद रखिए, हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। 6 बजे के बाद आप चाहे तो पानी ले सकते हैं, और सुबह 10 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल जूस। लेकिन अपने फास्टिंग के टाइम कोई चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस या सूप नहीं लेना। आपको लगेगा बस इतना करने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, फास्टिंग सिंपल तो है लेकिन बहुत पावरफुल भी। I want to talk to you guys today about how we can integrate fasting into improving our immune system. We definitely see that fasting has an impact on our immunology, on our immune system. When you fast for at least 3 days and then refeed, you boost your immune system. Fasting enhances immunity. And we see that in animal models, in free living animals, and in humans. They could start skipping some dinners or at least eating dinner earlier. Because here's what I'm saying, is that going to sleep at night on a full stomach of food suppresses your lifespan, suppresses your immunity, and increases your rate of getting cancer. क्या आप जानते हैं recently Nobel Prize किसको मिला? एक Japanese scientist को, जिसने proof किया कि fasting करने से हमारे शरीर के अंदर जो dead cells हैं, वो निकलते हैं। यही चीज़ हमारे वेदों ने हमें हजारों साल पहले बोली थी, आज पूरी दुनिया इसको अपना रही है। चलिए अब हम अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के दूसरे स्टेप पे आते हैं। ईट ओनली फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते में सिर्फ फल खाइए। जब आप सुबह 10 बजे फास्ट तोड़ते हैं, अपना कोई भी मनपसंद फल खा लीजिए। सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2-3 फल साथ में खा लीजिए। लेकिन ब्रेड, पराठा, इडली, डोसा, पोहा, चिवड़ा, सैंडविच, चीला, रोटी, उपमा, चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। सिर्फ ताज़े फल खाने हैं ब्रेकफास्ट में। फलों को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है, इनको डाइजेस्ट होने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। और आपको पता है अनाज को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? करीब 18 घंटे। तो जब आप ब्रेकफास्ट में अनाज की जगह फल खाएंगे तो आपका सोल्जर डाइजेशन को जल्दी से ख़त्म करके आपकी हीलिंग पे लग जाएगा। एक और बात, फल अपने आप में ही क्लेंजिंग फूड्स हैं, यानी शुद्धिकारक भोजन है। ये शरीर में जाके चिपकते नहीं, गंदगी नहीं बनाते, बल्कि जो गंदगी जमी है उसको भी साफ करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पानी होता है। दूसरी तरफ जो भारी भारी नाश्ता होता है उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है और ये अंदर जाके गंदगी बनाता है। याद रखें, हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। आप ये सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें। ईट योर डिनर बिफोर 6 PM एंड ईट ओनली फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, और फिर 1 हफ्ते बाद अपना स्कोर कार्ड फिर से भरिए। आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके आपकी इम्यूनिटी के सारे लक्षण मीट होने लगेंगे। यदि आपका कुछ एक्स्ट्रा वेट है वो ऑटोमेटिकली घटने लगेगा, स्किन साफ होने लगेगी, आप जब सुबह उठेंगे तो कोई आलस्य नहीं होगा, एकदम फ्रेश और बहुत सारी एनर्जी के साथ उठेंगे, आपको रात को नींद बहुत गहरी आने लगेगी, असली भूख का अनुभव होने लगेगा, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द ये सब चला जाएगा और मन में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी। आप खुद करके देखिए।
एक और बात, आप इसको अकेले मत कीजिए, पूरी फैमिली के साथ कीजिए। उन सभी को इसके बेनिफिट के बारे में बताइए। जब फैमिली साथ करती है तो ये और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये पहले दो स्टेप्स तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अब हम आपके साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का तीसरा स्टेप शेयर करेंगे। थर्ड स्टेप है ईट ओनली वन ग्रेन मील अ डे, यानी दिन में सिर्फ एक बार अनाज खाइए। तो आपका फूड प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह 8 बजे कोई भी सब्जी का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस, खीरे का जूस, नारियल पानी, ग्रीन जूस, आप कोई भी फ्रेश जूस ले लीजिए। फिर नाश्ते में 10 बजे अपना मनपसंद कोई भी एक फल ले लीजिए। फिर लंच में कोई भी एक अनाज ले लीजिए 4 गुना ज़्यादा सब्जी के साथ। रोटी, चावल, मिलेट्स कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसमें 4 गुना ज़्यादा सब्जी होनी चाहिए। फिर डिनर में 6 बजे से पहले सैलेड या सूप ले लीजिए। डिनर में फिर से अनाज नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना सूप सैलेड वाला मील दोपहर को ले सकते हैं और अनाज वाला मील शाम को। मगर इस प्लान में ज़रूरी क्या है कि आप अनाज दिन में एक ही बार ले। इस प्लान को वन ग्रेन मील अ डे भी बोला जाता है। दुनिया भर में लोग इसको फॉलो करके इसका फ़ायदा ले रहे हैं। यदि आप सात्विक फूड की बहुत टेस्टी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी सात्विक फूड बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में करीब 50 इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज दी गई हैं। इनमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमारे पुराने शास्त्रों पर आधारित हैं, और जो रेसिपीज़ हैं वो आपके आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो ये हो गए हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 स्टेप्स। पहला, शाम 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। दूसरा, नाश्ते में सिर्फ फल खाएं। और तीसरा, पूरे दिन में एक ही बार अनाज खाएं। ये ह्यूमन बॉडी माँ प्रकृति का दिया एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है। बहुत जल्द हम उनको ये वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको साफ रखें। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप सिर्फ खुद को ही नहीं लेकिन आसपास और बहुत लोगों को बचाओगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। और यदि आपको इम्यूनिटी के बारे में और डिटेल में सीखना है तो हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करें। उसके भी डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।